हाँ जी बच्चे, तो थर्ड क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है। इसमें देखो, मैंने अभी बताया था बड़े स्टेटमेंट से में से छोटी को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट उन्होंने हमारे पास 12 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 8 मीटर 35 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन का रूल वही है, अगर आपको यहाँ से इसको कैरी देना पड़े तो आप इजिली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दिए 12 में से, ये आंसर आ गया। या फिर ऐसे कर लो, 10 से 5 दे 5, यहाँ रह गए 5, 5 से 2, 12 बन गया, 12 से 8 गए 4। फिर इसका मैंने किया है सेकंड पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट आपको किलोमीटर और मीटर में दी है, ठीक है। अब 0 से 6 गए 4, अब यहाँ कितने रह गए, फिर 12, 12 से 4 गए 8, यहाँ कितने रह गए 10, 10 से 2 गए 8, ठीक है। यहाँ कितने रह गए 9, 9 से 6 गए 3, यहाँ 1, 1 से 1 गए 0, ठीक है। तो बच्चे ये सब्ट्रैक्शन से है। सेवंथ में देखो, 1 सेंटीमीटर में है, 1 मिलीमीटर में है। सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 10, एक डिजिट तो चाहिए चाहिए है ना, वो हमारे पास है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो 5 के कितने बन गए यहाँ पे 15, क्योंकि 5 के ओनली 5 में से तो 8 जा नहीं सकते, तो 5 के कितने बना लिए मैंने 15, 8 इधर से क्या ले लिया कैरी, 15 से 8 गए 7, यहाँ कितने रह गए फिर 3, 3 के कितने बन जाएंगे 13, 13 से 7 गए 6। यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, एक ही अक्षर चाहिए, ठीक है। मेरे को गलती से लग गई बच्चे, यहाँ 0 नहीं लगाने आपने, क्योंकि एक ही डिजिट चाहिए, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो एक ही अक्षर काफी है। 15 से 8 गए 7, यहाँ रह गए 3, 13 से 7 गए 6, 1, 1 से 1 गए 0। तो ये था आपके सब्ट्रैक्शन के सम। तो इसकी जो पूरी 12.2 है, ये आपने अच्छे से खुद ट्राई करनी है रफ नोटबुक पे, फिर फेयर पे करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।